हेलो महादेव भाई, सभी लोगों को तो सभी का स्वागत है आज के टॉपिक फूड में। केवीएस और सीटेट के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं हमारे साथ, उन सारे बच्चों के लिए मैं यहाँ बताना चाहूँगा दोस्तों कि फूड वाला टॉपिक शुरू करूँगा मैं आपका यहाँ पर भोजन। ठीक है, जिनको भी भूख लगती है वो जुड़ सकते हैं मेरे साथ। ठीक है, और सेशन को भाई धमाकेदार बनाने के लिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पर दिया हुआ है कि कहते थे दोस्तों कि बिना लक्ष्य के, ठीक है, जीवन बिल्कुल बिना लिखे लिफाफे की समान होता है, जिस तरीके से जो कभी कहीं नहीं पहुंच सकता। कोई लिफाफा अगर है जिस पर एड्रेस नहीं है दोस्तों, वो घूमता रहेगा घूमता रहेगा, कहीं पहुंचेगा ही नहीं। सेम उसी तरीके से अगर हमारी लाइफ का कोई लक्ष्य नहीं है दोस्तों, हम भी किसी भी लक्ष्य को नहीं पा सकते। तो भाई यही कहना चाहूंगा दोस्तों इसी बात पर आप लोगों से, सारे बच्चों से, कि एक प्रॉपर अपना एक टारगेट सेट करो और उस टारगेट को पूरा करने के लिए जुड़े मेरे साथ, जिसमें हम आप लोगों को बताने वाले हैं एक एक करके सारी तैयारी के बारे में कि भाई केवीएस और सीटेट दोनों ही ऐसे हो गए, सिलेबस आपके सेम कर दिए हैं जो थीम्स हैं, तो उनका फायदा उठाइए आप लोग। तो यह कुंदन कुमार है मेरे साथ, ठीक है, जुड़ चुके हैं, अच्छी बात है भाई। देखो भोजन क्या है इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो हम जानते हैं कि जीवन के अंदर भोजन की बड़ी आवश्यकता है भाई। खाना ना खाओ तो बॉडी के अंदर एनर्जी खत्म हो जाती है, और जब बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं होगी दोस्तों तो क्या होगा, आप कोई भी काम, दिमाग आपका काम करेगा ही नहीं। कितना भी अच्छा दिमाग हो आप लोगों के पास और भोजन अगर आपके पास भूख लगी है आपके अंदर आपको, तो भाई आप कोई भी काम करने मन नहीं लगेगा। इसलिए पहले पेट पूजा, उसके काम दूजा होता है दोस्तों, है ना। तो सिंपल सा मतलब है कि भाई भोजन से क्या मिलती है, आपको एनर्जी मिलती है। अब भाई ये लो थाली, भोजन की थाली मैंने आपके सामने रख दी है, ठीक है, खा लो भाई। लंच आई होप आपने कर ही लिया होगा, नहीं किया होगा तो कर रहे होंगे क्योंकि लंच का टाइम चल रहा है इस समय, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे मैंने पूरी भी है आपका, तंदूरी रोटी भी है, 8-9 तरह की सब्जियाँ हैं, ठीक है, सलाद है, मिठाई भी है, सब कुछ अवेलेबल है दोस्तों, ठीक है। कितने मार्क्स चाहिए होते हैं सर केवीएस पास करने के लिए दोस्तों? बस टेंशन मान लो यार, ठीक है, ज़्यादा मार्क्स नहीं पड़ेगी आप लोगों को, लेकिन हमारा जो टारगेट है वो 160 प्लस का दोस्तों, ध्यान रखिएगा 160 प्लस आपके होंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। निशिकांत कुमार भाई, नाम लेने के लिए तो बहुत नाम लेंगे, टेंशन मान लो आप, ठीक है। कुछ ऐसा काम करो कि मैं क्या दुनिया आपका नाम ले दोस्त, ठीक है। तो वर्षा जी देखते हैं यहाँ पर, पहला सर पॉइंट शाकाहारी। देखो भाई अगर भोजन करते हैं आप तो भोजन में आप वेजिटेरियन हो या फिर नॉन वेजिटेरियन हो, डिपेंड करता है शाकाहारी हैं आप या मांसाहारी हैं। शाकाहारी है दोस्तों तो आप केवल क्या करते हैं, पौधे या पौधे के किसी भाग को खाते हैं भाई। पौधे के भागों में जड़ आता है, पत्तियां आती हैं, फल आते हैं, तना आता है, इस टाइम कौन सा भाग खाते हो डिपेंड करता है। अब जैसे गाय होती है, बैल होता है, हिरन है, हाथी है, ये सारे के सारे क्या दोस्तों, शाकाहारी जंतुओं में आते हैं, ठीक है। भारती जी नमस्ते भाई, नमस्ते सभी को। तो दोस्तों ये सारे के सारे क्या है, शाकाहारी है। दूसरा बात करते हैं दोस्तों, जिराफ है, हाथी है, गाय है, भैंस है, ठीक है, ये सारे, हिरन है, बेचारे शाकाहारी हैं जो घास चरते रहते हैं फॉरेस्ट में। गाय भी घास खाती है, भूसा खाती है, देखा होगा आप, पता नहीं सिर में दर्द क्यों हो रहा है यार, ठीक है। तो दोस्तों याद रखिए, मांसाहारी की बात करते हैं, नॉन वेजिटेरियन में वो जीव जो जानवरों के मांस को खाते हैं दोस्तों, ठीक है, इसमें आप शेर है, बाघ है, लोमड़ी, तेंदुआ, छिपकली, ये सारे आते हैं, ठीक है, मांसाहारियों में। और सबसे ज्यादा जो केवल मांस ही खाते हैं, मतलब इनको घास फूस से मतलब नहीं है, केवल इनको मांस चाहिए, वो किसी का भी हो चलेगा। ये देखिए भाई आप, ठीक है, तो ये कौन से हो गए मांसाहारी। एक होते हैं भाई सर्वाहारी, यानी कि दोस्तों ऐसे जिनको भाई जो है कुछ भी मिल जाए, ओमनिवोरस। मनुष्य की बात करें दोस्तों किसमें आता है, टॉप पर बैठा होता है पिली, इसको कुछ ही मिल जाए सब चलेगा, ठीक है। तो भाई वो जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं, ठीक है, और मनुष्य है इसमें, कौवा है, गिलहरी है, कॉकरोच, कुत्ता, ठीक है, बिल्ली, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं, ये सारे के सारे इसके एग्जाम्पल जाएंगे दोस्तों। बिल्कुल सही कहा, सारे के सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बेस्ड होंगे, ये ध्यान रखिएगा, केवीएस के अंदर भी और सीटेट के अंदर भी सारे के सारे क्वेश्चन बेटा आपका एनसीईआरटी बेस्ड होता है। पूरा पेपर समझ लो यार एनसीईआरटी में से ही आता है, वो कुछ भी हो बोले,
ठीक है सर, मैंने दिसंबर 2021 ईवीएस क्लास अटेंड की थी आपकी, मेरा स्कोर काफ़ी बढ़िया रहा ईवीएस में और मेरा सीटेट प्राइमरी और जूनियर क्वालिफाई भी किया है विद गुड मार्क्स। देखो भाई वर्षा की कमेंट आई है बहुत ही प्यारी, ठीक है आप लोग अंदाज़ लगा सकते हो दोस्तों कि हमारा रिजल्ट हमेशा यार जो है बहुत ही बढ़िया रहता है, और इसीलिए हम बच्चे के साथ बिल्कुल कनेक्ट होकर के उसके हर हेल्प के लिए कोशिश करते हैं कि उसकी हर हेल्प की जाए हर तरीके से, और आप लोगों को गवर्नमेंट जॉब मिले दोस्तों। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनता है आपका, यहाँ पर तने के रूप में प्रयोग किन सब्जियों को हम भोजन में प्रयोग करते हैं, पौधे के भाग हैं तना, उसमें से अगर मैंने पूछा कि भाई तना जो होता है उन सब उनको हम सब्जियों के रूप में प्रयोग करते हैं, तो क्या आंसर बनेगा आपका यहाँ से? तो भाई आलू है, अरबी है, प्याज है, पत्ता गोभी, फूल गोभी, या खीरा, या फिर आपका यहाँ पर लौकी है, सीताफल है, पालक है, मेथी, धनिया, ये सारे पॉइंट बनते हैं आपके दोस्तों। तो भाई आप देखोगे तो भाई तने के रूप में पत्ता गोभी हो नहीं सकता, खीरा, लौकी, सीताफल मतलब नहीं बनता, पालक, धनिया ये पत्तियां हो गई, आलू होता है, तना, अरबी होती है, प्याज भी होता है, ये तीनों के तीनों भाई किस में आते हैं आपके? तने में आते हैं। सर ये क्लास केवीएस के लिए है, बिल्कुल है बेटा, ये क्लास केवीएस के दीपक, ठीक है केवीएस के लिए भी है और सीटेट के वाले बच्चों के लिए भी है। तो दोस्तों यहाँ पे आंसर क्या बनेगा? ए बन जाएगा। पौधों के खाए जाने वाले भागों की बात करें दोस्तों हम लोग, तो तना का आप कौन सा भाग खाते हो, जड़ का आप कौन सा पार्ट खाते हैं, पत्ते कौन से खाते हैं आप, फूल कौन से खाते हो, बीज और फल, ये सारे मैंने एक एक करके आपके सामने यहाँ पर लिख दिए दोस्तों। भाई दिव्यांग आपको बता दूं मैं, अड्डा टू फोर सेवन से कॉन्टेक्ट करने के लिए कुछ नहीं करना आपको, ठीक है सपोर्ट का नंबर मिल जाएगा आपको, या मेल कर देना या चैट कर लीजिएगा। देखो भाई आलू है, प्याज है, लहसुन है, अदरक है, हल्दी है, ये सारे किस में आते हैं दोस्तों? तने में आते हैं। जड़ की बात करता हूँ मेरे दोस्तों, गाजर है, मूली है, शलजम है, शकरकंद, कुछ चुकंदर, ये सब रूट में आते हैं, जड़ों में आते हैं, ठीक है। पत्ते की बात करते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पर, तो पालक है, बंद गोभी है, सरसों है, बथुआ है, मेथी है, चना है, ये सब पत्ते में आते हैं। और फूल की बात करें हम लोग तो गुलाब है, फूल गोभी है, ब्रोकली है, सीताफल, कचनार, ठीक है ये सारा का सारा जो है आपका फूल में आता है, ठीक है ये सब आपके इस तरीके से आपको यहाँ पर एग्जाम्पल देखने को मिल जाएंगे एक एक करके। यस इसी लेवल का मिलेगा दोस्तों आप लोगों को, इस लेवल से बाहर नहीं होगा दोस्तों, उदाहरण बता रहा हूँ मैं आपको। ये देखिए ये सारे एग्जांपल किसके हैं भाई? तने के हैं, स्टेम के हैं, सारे के सारे तने। और 30 तारीख से नया बैच शुरू हो रहा है, पेड बैच, जो बच्चे अगर पेड बैच भी चाहते हैं नया बैच, तो उनको भी केवीएस का नया बैच मिल जाएगा। कोड डिस्काउंट के लिए याद रखिएगा आपका Y184, ठीक है। हाँ पंकज बिल्कुल यही तो हो गया है वो, अब सिलेबस जो है आपका बिल्कुल वही 6 थीम दी हुई है आपकी केवीएस की साइट पर, देख लो वेबसाइट पर जो सिलेबस है आपका वो 6 थीम्स हैं, और कुछ स्टैटिक फैक्ट वाला है बहुत बता दूंगा मैं। जंतु भोजन के लिए किन पर निर्भर होते हैं दोस्तों ये पूछा गया है, यानी कि व्हाट डू एनिमल डिपेंड ऑन फॉर फूड, तो भाई उत्पादकों पर या उपभोक्ताओं पर या अपघटकों पर या उत्पादक और उपभोक्ताओं दोनों पर। सर केवीएस प्राइमरी में, ईवीएस में फूड, शेल्टर, वाटर, ईटीसी, यही है। हाँ यही पूछा जा रहा है, देखो फूड है, शेल्टर है, वाटर है, फैमिली फ्रेंड्स हैं, एनिमल्स है, फूड आपका एनिमल्स, प्लांट्स, ठीक है, थिंग्स वी कैन मेक एंड डू, ये सब यही टॉपिक है सारा। केवीएस का प्रैक्टिस सेट है दोस्तों ध्यान रखना, जो बच्चे केवीएस की आपकी टेस्ट सीरीज चाहते हैं उनको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, ठीक है। और आज तो भाई आपको बता दूं मैं, डबल वैलिडिटी का ऑफर भी चल रहा है, जो बच्चे डबल वैलिडिटी का ऑफर चाहते हैं ले लेना, कोड याद रखना Y184, ठीक है। और डबल वैलिडिटी का ऑफर है, यानी कि अगर 6 महीने का है तो 6 महीने फ्री रहेगा, 1 साल का तो 1 साल फ्री रहेगा आपका।
तो दोस्तों यहाँ पर आंसर बनेगा आपका, ये देखिए आप, ऑप्शन डी है, उत्पादक और उपभोक्ताओं दोनों पर डिपेंड करता है। उत्पादक कौन होते हैं भाई आपके? प्रोड्यूसर कौन होते हैं? जो खुद अपना भोजन बनाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों? तो उन्हें हम प्रोड्यूसर कहते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं क्या कहलाएंगे आपके? प्रोड्यूसर कहलाएंगे। ठीक है, आरती देखो ईवीएस की प्रैक्टिस के लिए 2:15 पर मेरी क्लास होती है, ठीक है, यूट्यूब पर, यहाँ से करिए। पेड बैच में होती है 5 बजे, और जो नया बैच आ रहा है हमारा पेड बैच, उसमें मेरी क्लास होगी 6 बजे से होगी। तो इस तरह से आपको क्लासेस मिल जाएंगी सारी मेरी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो ये है आपका प्रोड्यूसर, ये आपके कंज्यूमर, और ये आपका डिकम्पोजर्स। पेड़ पौधे जितने भी हैं प्रोड्यूसर में आते हैं, कंज्यूमर उपभोक्ता, और ये फिर भैया उसको ठिकाने लगाने के लिए डिकम्पोजर्स होते हैं। आरती बता तो दिया मैंने बेटा, एक केवीएस की प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। अगर देखो एक बार देख लो, भले ही दो बार बार ये चीज पूछे जा रहे हो आप, मैं बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। अगर आप लोगों को केवीएस की प्रैक्टिस करनी है तो देखो मैंने बता दिया था पहले ही, फिर मैं बता दे रहा हूँ। आप 18247 की वेबसाइट पर जाइएगा, यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पर ऑल कोर्स में जाना, ठीक है, और फिर आप लोग टीचिंग पे क्लिक करना यहाँ पर। और देखो ये है केवीएस, यहाँ पर मान लो जैसे केवीएस 2023 ये रहा। अब आपको चाहिए टेस्ट सीरीज चाहिए, तो देखो टेस्ट सीरीज आपकी ये रही, इस पर क्लिक करोगे आप तो केवीएस की टेस्ट सीरीज टीजीटी वाली हिंदी वालों के लिए है, ये इंग्लिश वालों के लिए है, ये टीजीटी साइंस वालों के लिए है, ये आपकी मैथमेटिक्स, ये कंप्यूटर साइंस। इस तरीके से आप देखोगे ना तो व्यू ऑल सबकी टेस्ट सीरीज पड़ी हुई है आपकी, ये देखो आप, ये रही सोशल साइंस के लिए है और प्राइमरी टीचर के लिए भी है। अब देखो प्राइमरी टीचर के लिए नहीं हुआ मान लो पीआरटी की आप लोगों को, तो इस पर क्लिक करेंगे आप, ठीक है। कितने दिखा रहा है ये? 299 दिखा रहा है, कितने? 299 दिखा रहा है मात्र। अब इसमें भी कोड लगाइए आप, ठीक है, और कोड लगाएंगे आप Y184S, ये कोड लगाएंगे दोस्तों। तो देखो कितने की पड़ेगी ये? 233 रुपये का पड़ेगा मात्र प्राइस। ये देखिए ये कोड लगाया आपने Y184S, तो प्राइस क्या आ गया? ये रहा 233 रुपये। पूरी 40 से ज्यादा मॉक टेस्ट हैं इसके, आपके केवीएस के, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, ले लेना जिसको भी लेना हो, मैं बता दी आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये आप देख रहे हो भाई, आपका किस तरीके से फूड सिस्टम बनता है, प्लांट्स हैं, प्रोड्यूसर आपके। प्लांट आपके प्रोड्यूसर्स हैं, ये गोट बकरी है इसे खा रही है, इंसान तो सबको खा जाएगा भाई, है ना, लॉयन बकरी को खा जाता है। इस तरीके से पूरा का पूरा सिस्टम आपका जो है यहाँ चलता है। मनुष्य को सर्वाहारी कहा जाता है क्योंकि आखिर क्या रीजन है कि मनुष्य को हम ओमनिवोरस यानी सर्वाहारी कहते हैं, ठीक है दोस्तों? तो भाई पौधों से ये अपना भोजन प्राप्त करता है इसीलिए कहा जाता है, या जीवों पर अपने भोजन के लिए ये आश्रित है इसीलिए कहा जाता है, या फिर वह पौधों और जीवों दोनों के उत्पादों को खाता है, या फिर वो क्या है दोस्तों, इनोसेंट होता है। ठीक है दोस्तों, तो भाई यहाँ पे आंसर क्या बनेगा आपका? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो सी जो है आपका राइट आंसर बन जाएगा, क्योंकि तो भाई वो पौधों को भी खाता है, जीवों को भी खाता है, तो जितने भी ऐसे प्राणी हैं, जीव हैं, जो दोनों को खाते हैं, पौधों को भी और जीवों को भी, वो क्या कहलाएंगे आपके? ये कहलाएंगे। सर मेरा 30 जनवरी को पेपर है, जो आ रहा है आपने पढ़ाया है पूरा पूरा 30 ही आएगा। सूर्य प्रकाश बिल्कुल आएगा यार, जो बच्चे आज पेपर करके आए हैं, जो बच्चे कल करके आए थे, उन सारे बच्चों का वही देखने को मिला है। और भाई देखो 4 बजे, ठीक है, आज मेरी, मैं 4 बजे बताऊंगा अभी कि क्या क्या कराने वाला हूँ, जो पेपर आज आया है ना वो सब कराने वाला हूँ मैं हम लोगों को। दोस्तों सेशन अच्छा लग रहा हो तो भाई लाइक कर देना एक बार। जानवरों की मुंह के आकार और दांतों की जो बनावट होती है इस तरह की होती है जिससे कि वो आसानी से अपने भोजन को प्राप्त कर सके।
अपने भोजन को बड़ी आसानी से खा सकें। जैसे अब देखोगे तो गाय के आगे के दांत जो होते हैं छोटे होते हैं, जिससे वो आसानी से घास भूसा सुरक सकें, और पीछे के दांत बड़े और चौड़े होते हैं जिससे वो आसानी से चबा सकें। ये उनकी पहचान है अपनी, ठीक है। जैसे कुत्ते, बिल्ली, शेर, बाघ आदि के दांत जो होते हैं ऐसे होते हैं, ठीक है, जिससे वे मांस को फाड़ सकें, खा सकें। कबूतर की चोंच ऐसी होती है दोस्तों जिससे वो दानों को पीस सके, ठीक है। और हार्निबल की चोंच ऐसी होती है जिससे वो फल और कीड़े मकोड़े खा सके, ठीक है। बगुला की चोंच ऐसी होती है जिससे वो जमीन पर पड़े कीड़े मकोड़े को आसानी से खा सके। और गिलहरी क्या करती है दोस्तों, कुछ ना कुछ कुतरती रहती है, क्योंकि तो उसके दांत जो होते हैं वो हमेशा बढ़ते रहते हैं। तो ये सारे पॉइंट आपको देखने को मिलते हैं, आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है, आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है। अब देखो भाई, शाकाहारी जंतु, मांसाहारी जंतु के बारे में और सर्वाहारी के बारे में, तीनों के बारे में यहाँ पर मैंने बता दिया है, ठीक है। कुछ जंतु केवल पौधों को खाते हैं, उनके भागों को शाकाहारी कहलाएंगे, जो केवल मांस को खाते हैं मांसाहारी कहलाएंगे, जो पौधे और जीव जंतु दोनों पर डिपेंड होते हैं वो आपके सर्वाहारी कहलाते हैं। तिलचट्टे को उसके खाद्य पदार्थों के आधार पर किस श्रेणी में रखा जाता है, ये पूछा गया है। तिलचट्टे को उसके खाद्य पदार्थों के आधार पर किस श्रेणी में रखा जाता है, शाकाहारी होगा, मांसाहारी होगा, उत्पादक होगा या फिर सर्वाहारी होगा। दोस्तों यहां पर आंसर क्या बनेगा आपका, लालो भाई, डी आंसर, सर्वाहारी। क्या है, डी इज द राइट आंसर, ओमनिवोरस, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, ये देख लो भाई, आई होप आपने देखे होंगे, कुछ लोगों को इससे भयंकर डर भी लगता होगा, लेकिन बेचारे कुछ नहीं करते ये, ठीक है, डराते भी नहीं है और डर जाते हो आप लोग। इनमें से किसके द्वारा पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के उद्देश्यों का अनुसरण नहीं होता, छोड़ो। ये आता है मृत जीवी, जीवों को मृत जीवी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो मृत जीवी, जो जीव होते हैं उन्हें मृत जीवी क्यों कहा जाता है, क्योंकि मृत होते हैं, मृत होने के पास होते हैं, या मृत जीवों को खाते हैं, या फिर मृत जीवों के शरीर में रहते हैं। बताइए दोस्तों क्या आंसर बनेगा। तो भाई यहां पे सुनील सोलंकी आंसर दिया है सर, फिफ्थ का सी होगा। भाई सी आपका बिल्कुल सही है, मरे हुए जीवों की डेड बॉडी को ठिकाने लगाते हैं आपके कौन, मृत जीवी, डिकम्पोजर्स, ठीक है, सी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों आपका ये पॉइंट, तो जो जीव मरे हुए सड़े रहे पदार्थों पर बढ़ते हैं तथा पोषण प्राप्त करते हैं, क्या कहलाएंगे, आपके मृत जीवी कहलाते हैं। इन जीवों को हम लोग कवक या फंगाई कह सकते हैं, उदाहरण ना लोगों, इसके कई सारे एग्जाम्पल भी हैं। मनुष्य के शरीर के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या होता है, ये पूछा गया है। प्रोटीन है, या फिर आपका चंद्रमा, या कार्बोहाइड्रेट, या वसा। तो ऑप्शन जो है ए इज द राइट आंसर, प्रोटीन। गलत,
क्या होगा भाई? सी होगा, कार्बोहाइड्रेट। हाँ ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से ही आपको एनर्जी मिलती है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हिरण सीता फीताग्रमी का क्रमशः उचित क्रम कौन सा है? शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, परजीवी, या परजीवी शाकाहारी और मांसाहारी सर्वाहारी, या सी बनेगा या फिर डी बनेगा। बताइए। तो देखो भाई, हिरण जो होता है शाकाहारी होता है, चीता मांसाहारी, ये सर्वाहारी। सही है, ए बन जाएगा आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आप, चावल और गेहूं से प्राप्त स्टार्च जो है वो प्रोटीन का बहुलक है, वसा का है, या शर्करा का है, या ग्लाइकोजन का है? तो दोस्तों यहाँ पर प्रोटीन होगा, वसा अम्ल होगा, शर्करा होगा, तो यहाँ लगा लो आंसर फटाफट से सी, शुगर। सर इसको स्टार्च भी कह सकते हैं हम लोग, ठीक है, शर्करा का होता है, सी हो जाएगा आंसर। शक्कर, शर्करा, चीनी एक क्रिस्टलीय खाद्य पदार्थ होते हैं दोस्तों, ये जो आपके सुक्रोस, लैक्टोस और फ्रक्टोस, इसमें क्या होता है, उपस्थित होता है। ठीक है, दूध व दूध उत्पादों में मुख्यतः क्या पाया जाता है, ये पूछा गया है। खनिज, प्रोटीन, विटामिन, या फिर वसा, कैल्शियम और फास्फोरस, या फिर कार्बोहाइड्रेट, खनिज और वसा, या फिर खनिज, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। दोस्तों कैसा पेपर आया सीटेट का आज, तो 4 बजे बताऊंगा मैं आप लोगों को, पूरा पेपर का एनालाइज कराऊंगा। तो दूध और दूध के उत्पादों में हमें देखो भाई, दूध में आप लोगों को कैल्शियम मिलता है, बिल्कुल सही है। अब कैल्शियम इनमें से किसी में से नहीं है, यहाँ पर है, वसा भी होता है इसके अंदर, फैटी होता है, और फॉस्फोरस भी हो जाएगा। तो जो बी है वो क्या बन जाएगा आपका, राइट आंसर बन जाएगा। भाई ये तो समझ में आ रहे नहीं आ रहे क्वेश्चन, ये बताओ यार, ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये वाले क्वेश्चन इस तरीके से, ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? ठीक है, एक बार कमेंट जरूर करिएगा सारे बच्चे। तो देखो ये पॉइंट ये रहा आपका, हमारे देश में दूध उत्पादन जो होता है ना वो मुख्यतः आपका पशुपालन कहते हैं हम लोग, इसमें गाय और भैंसों का करते हैं, और उससे दूध हमें दूध बहुत अच्छी मात्रा में प्राप्त होता है दोस्तों। तो भाई यहाँ बच्चे सारे कह रहे हैं समझ में क्लियर आ रहा है, बहुत बढ़िया। देखो दूध में आपको क्या क्या मिलता है, इस तरीके से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा, ध्यान रखिएगा। आगे आता है सर आपका, देखिए अगला प्रश्न, हमारे शरीर के द्वारा किन विटामिनों का संश्लेषण होता है, यानी कि विच विटामिन आर सिंथेटाइज्ड बाय अवर बॉडी। कुंदन कुमार कह रहे हैं सर समझ में आ रहा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
ये बनेगा आपका आंसर डी और के, विटामिन डी विटामिन के, दोनों ऑप्शन सही है आपके। यहाँ पर सर आपका देखो ये टीचिंग का महापैक है जो मैं आपसे कह रहा था, और आज 12+12 मंथ की डबल वैलिडिटी चल रही है दोस्तों इस पर। इसमें केवीएस की तो सारी तैयारी हो ही जाएगी आपकी, DSS भी, और भी कोई तैयारी करना चाहते हो वो भी हो जाएगा, सारी की सारी टेस्ट सीरीज, सारी सारी लाइव क्लासेस, सब कुछ इसमें इंक्लूड है। तो दोस्तों आप चाहो तो इसको ले लेना, ठीक है, Y184 कोड यूज करके, फिर इस पर प्राइस बढ़ने वाले हैं याद रखिएगा। अब भाई हम बात करते हैं विटामिन को लेकर के, विटामिन पर किस किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। तो देखो विटामिन की अगर बात आती है तो विटामिन जो है आपकी कई प्रकार की होती है वैसे तो, ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से हम विटामिन को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक ऐसी विटामिन जो जल में कैसी हैं, घुलनशील हैं, और दोस्तों एक ऐसी जो जल में कैसी हैं, अघुलनशील हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो आप, तो विटामिन बी और सी ये दोनों कैसी हैं, जल में घुलनशील हैं, और जो है आपकी ये विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये आपकी जल में अघुलनशील है। ठीक है, ये है सर आपका सारा पॉइंट। ये देखिए विटामिन ए जो है इससे होने वाला रोग क्या है, रतौंधी होता है, और इसमें कम रोशनी में दिखाई नहीं देता। विटामिन बी वन को हम लोग बेरी बेरी रोग कह सकते हैं, ठीक है, थकावट हो जाना, मांसपेशियां कमजोर हो जाना, ये इसके अंदर प्रॉब्लम आती है, ठीक है। फिर आता है विटामिन सी, सबसे इम्पोर्टेंट आती है दोस्तों, जिसमें स्कर्वी नामक रोग होता है, और इसके अंदर क्या होता है, मसूड़ों से खून आना, ये सबसे बड़ी बीमारी या सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, और सबसे ज्यादा स्रोत है इसका खट्टेले, खट्टे फल, जो खट्टे फल होते हैं वो इसका सबसे बड़ा सोर्स है आपका। वंदना जी सिंह जी, गुड आफ्टरनून, कैसे हो भाई आप सभी लोग। दोस्तों यहां पर मेरा उद्देश्य यह है कि ये टॉपिक पढ़ा दूं मैं आप लोगों को, क्योंकि आपको मैं क्वेश्चन भी दे रहा हूँ, आपको मैं एमसीक्यू भी दे रहा हूँ, ठीक है। मेरा तो सर पूरी ईमानदारी से पढ़ाने का मन करता है यार, कहीं भी पढ़ाओ, यूट्यूब पे पढ़ाओ या पेड़ में पढ़ाओ, बच्चों को हर वो चीज मिल जाए जिसके वो हकदार हैं, जो उसके एग्जाम में आएगा, ठीक है। लेकिन यार आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए दोस्तों, ध्यान रखिएगा। YT पर भी आप लोगों के लिए सीक्वेंसेस बेसिस में क्लास चल रही है, ठीक है, पता है आपको सीरियल का पेपर चल रहा है इस समय, ठीक है, उसकी एनालाइजर लगे हुए हैं, क्लासेस लगी हुई हैं, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए टाइम निकाल करके आपका मैंने क्लास बंद नहीं किया है, कि आपकी क्लास रेगुलर होती रहनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो बस अपना प्यार सपोर्ट बनाते रहिएगा, और हम इस बार आप लोगों के लिए इस KVS को निकलवा के रखें, कुछ भी हो जाए। इसको बड़ा पता है एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, विटामिन सी का जो केमिकल नाम है वो क्या है आपका, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। ये विटामिन डी है आपका कैल्सीफेरॉल, ठीक है, इसका केमिकल नेम है, और एकेटस जो है यहाँ बनता है, हड्डियां कमजोर होती हैं यहाँ पर, ठीक है, और ये सूरज की रोशनी, मछली का तेल, दूध, अंडा, ये इसके सारे सोर्स हैं। ठीक है दोस्तों, अच्छा विटामिन जो है आपकी, देखोगे यहाँ पे डी जो आपकी की आती है उसमें रक्त का थक्का नहीं जमता, विटामिन जो की है उसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है। इसका चाहो तो आप लोग एक स्क्रीन शॉट ले सकते हो, लो मैं साइड में हो जाता हूँ, ठीक है।
ले लिया भाई स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सर क्वेश्चन आता है आपका विटामिन को लेकर के, भाई विटामिन सब तो सबसे पहले किसने दिया था? विटामिन शब्द सबसे पहले किसने दिया था? तो भाई आपका मेंडल होगा, लुईस पाश्चर, या फंक, या फिर स्केलियर। तो भाई यहाँ पे क्या आंसर बनेगा आपका? फंक। इन्होंने सबसे पहले विटामिन नामक शब्द दिया था, और इन्होंने बताया था कि विटामिन की हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में आवश्यकता नहीं होती है, बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है, लेकिन सर अगर ना मिले तो हमारी बॉडी के अंदर जो है बहुत ज्यादा बीमारियां हो सकती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेब है, संतरा है, अनार, केले खाने के पश्चात संतरे का स्वाद सभी से भिन्न था, तो भाई क्यों? क्योंकि इसमें विटामिन ए पाया जाता है, इसमें विटामिन बी पाया जाता है, या फिर इसमें विटामिन, इसमें कैल्शियम पाया जाता है, या इसमें विटामिन सी पाया जाता है। अरे भैया पंकज कुमार, ये कौन सी भाषा बोल रहा है मेरे दोस्त? हर हर महादेव भाई अनूप। तो भाई यहां पर क्या मिलेगा आपको? विटामिन सी। क्योंकि खट्टे पदार्थों में, खट्टे फलों में विटामिन सी की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है, इसलिए आंसर क्या बन जाएगा आपका जो है? डी बन जाएगा। लगा लो आंसर डी। अरे भोजपुरी है। सही है भाई, सीखनी पड़ेगी फिर तो यार। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूँ, होमवर्क है। इसका आंसर क्या होगा आप बताइएगा मुझे यहाँ पर। ठीक है, इसके साथ इसके सोल्व ले लो। और बेटा ध्यान रखना, जैसे बता दिया मैंने आप लोगों को, अड्डा 247 .com वेबसाइट है, जिसमें आपको 30 दिसंबर से नए बैच शुरू हो रहे हैं आपके केवीएस के। ठीक है, वो केवीएस का भले पीआरटी का हो, या फिर टीजीटी का है, या पीजीटी का है, कोई भी बैच है आपको मिल जाएगा। ठीक है, और ये देखिए आप यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ कि करना क्या है उसके लिए। जैसे आप बता दिया मैंने आपको, अड्डा 247 की वेबसाइट पे जाओगे आप, यहाँ से आप क्लिक करोगे, टीचिंग पे जाओगे। ठीक है, और टीचिंग पे जाने के बाद आप यहाँ पे देखोगे तो केवीएस पीआरटी, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। और यहाँ पर देखो, ये रहा चयन बैच, केवीएस पीआरटी का नया बैच आ रहा है आपका 30 तारीख से। ठीक है, ये लेना है आपको तो ये ले लीजिएगा, अदरवाइज केवीएस का महापैक ले लेना। कोड याद रखिएगा दोस्तों, जिसमें आपको डिस्काउंट मिल जाएगा वो है Y184। यहाँ पर ये देख सकते हो आप, जैसे ही कोड डालोगे आप Y184, तो जो पे करना होगा आप लोगों को वो मात्र 1678 रुपये पे करने होंगे। ठीक है, अच्छा कितने बच्चों को वास्तव में ऐसा लगता है कि हाँ यार हमें पेड बैच लेना चाहिए? पता है बहुत बच्चों ने क्या किया है, ये बैच लेने के बाद उन्होंने महापैक में अपने आप को अपग्रेड करवाया है। भाई देखो देखना, 31 तारीख के बाद प्राइस बढ़ जाएंगे जनवरी में, तो मैं तो कहूंगा बेटा पहले ही आज जो डबल वैलिडिटी का फायदा है वो उठा लीजिए आप। क्योंकि देखो ये आप लिखोगे अगर, मैं तो कहूंगा भाई आप लोग सीधा महापैक ले लो, ये वाला ये ज्यादा बेस्ट है आप लोगों के लिए। अगर आपको लगता है ये वाला केवीएस का महापैक, या फिर टीचिंग वैलिडिटी, टीचिंग का महापैक, इसके अंदर ये सारे के सारे कोर्स इंक्लूड हैं, सारे के सारे। ठीक है, तो केवीएस के महापैक में आप लोगों को आपका टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी सारी तैयारी हो जाएगी, ध्यान रखना। ठीक है, व्यू ऑफर वही है सेम, कोड याद रखना बेटा Y184। ठीक है, और अब हम मिलेंगे आपसे शाम को 4 बजे। कैसा पेपर आया था, किस तरह के क्वेश्चन आए थे आपके सीटेट में आज के पेपर में 29 तारीख में, हम देखेंगे उनको।
ठीक है दोस्तों। हाँ महापैक बेस्ट है, बन्ना सिंह ब्रो से बताया, क्योंकि महापैक में एक बार लेने के बाद फिर आपको कुछ और परचेज नहीं करना दोस्तों, सबसे बड़ा फायदा ये है महापैक का। ठीक है चलिए बाबा, टेक केयर, थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तो बेटा ध्यान रखिएगा, चीज़ों को ध्यान से पढ़ना है, समझना है, कोई भी डाउट रहता है, कोई भी कंफ्यूजन रहता है पूछ सकते हो। और यूट्यूब पर आप मेरी क्लास फाइंड करने के लिए KVS भाई सोलंकी सर सर्च करोगे तो आपको मेरी सारी क्लास मिल जाएंगी। क्या फाइंड करना है? KVS भाई सोलंकी सर। ठीक दोस्तों, तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।